हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे। मैं ऐसी ही प्रार्थना भगवान से करती हूं और आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल मॉम्स विला पे। तो दोस्तों, मॉम्स विला पे आज हम लेके आए हैं बहुत ही सिंपल सी, सुंदर सी, टेस्टी सी और हेल्दी सी रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ये नमकीन वाले छोटे छोटे पाउचेस, जो कि 10-10 या 5-5 रुपए में आसानी से मिल जाते हैं। और हमें चाहिए कुछ वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में हमने इस तरीके से बारीक कटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैंने लिया है, देखिए, आधा खीरा बारीक कटा हुआ, और उसके बाद मैंने लिया है लगभग आधा गाजर, ये भी बारीक काट लिया है बिल्कुल खीरे की तरह। टमाटर को भी बारीक काट लिया है, एक टमाटर हमने लिया है। और साथ ही हमने ली है आधी शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम, इसको भी बारीक काटा है। और ये लिया है मैंने एक प्याज बारीक कटा हुआ। सभी वेजीज वही हैं जो सलाद में हम लोग खाते हैं। तो ये मैंने एक लेमन लिया है, साथ में हरी मिर्च जो कि ऑप्शनल है, अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो आप हरी मिर्च को हटा सकते हैं। इसके बाद हमने लिया है चाट मसाला और काला नमक। नमक हम स्वाद अनुसार ही लेंगे। तो दोस्तों, अब हम इसे तैयार करने के लिए अपने पाउचेस को खोल लेते हैं, जिसमें है हमारी मूंग दाल नमकीन, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा है नट्स, मूंगफली वाले जो सफ़ेद वाले आते हैं, ये बड़ी ही आसानी से आसपास की किसी भी शॉप पर मिल जाते हैं, और ये है हमारी नमकीन मिक्स्ड वाली। तो फ्रेंड्स, इन सभी को हम एक साथ जो है एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे और उसमें हम मिक्स कर देते हैं। तो मैंने जितनी वेजीज लेनी है मुझे, जितनी क्वांटिटी में मुझे प्रिपेयर करना है, मैं उतनी ही मात्रा में अपनी वेजीज को ले लूँगी। तो फ्रेंड्स, लगभग सभी को मैंने हाफ हाफ क्वांटिटी में अभी ले लिया है, क्योंकि ये जो बाउल है ये बहुत बड़ा नहीं है, फिर मैं जब मिक्स करूँगी तो प्रॉब्लम आएगी, बाहर गिरेगा। इस वजह से हमने अभी हाफ क्वांटिटी में ही सभी चीज़ों को लिया है। फ्रेंड्स, अब इन सभी वेजीज को आपस में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सारी वेजीज अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसमें अब हम एक एक करके अपनी सारी नमकीन जो है, मिक्स्ड वाली नमकीन, नट्स, मूंग दाल, सभी को मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने सारी नमकीन जो है इसमें मिला ली है। आप इसमें किसी भी क्वांटिटी को थोड़ा कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। अगर आप कम नमकीन डालना चाहते हैं और वेजीज ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो इसमें आपकी खुद की चॉइस आप रख सकते हैं। अब मैंने इसमें अपना चाट मसाला और ब्लैक सॉल्ट भी डाल दिया है। इसके बाद फिर हम इसके अंदर अपना स्क्वीज कर देते हैं लेमन। लेमन की भी आप क्वांटिटी देख लेना, मैंने लगभग हाफ लेमन ही डाला है अभी हाफ क्वांटिटी में। आप इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सभी इंग्रेडिएंट्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाएं और उनका फ्लेवर जो है पूरी तरीके से निकल के आए। तो फ्रेंड्स, देखिए अब सभी वेजीज, नमकीन, लेमन, चाट मसाला, इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा स्नैक्स बिल्कुल रेडी है। ये स्नैक्स आप जब भी आपको भूख लगे तभी आप इसको बना सकते हैं बड़ी ही आसानी से, क्योंकि इसमें कोई भी कुकिंग की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको वेजीज को थोड़ा सा कट करना है और सिंपली इन नमकीन के पैकेट्स के साथ में इंटरमिक्स करना है, तो बड़ी ही आसानी से बन जाता है। तो सभी बच्चे इसे बड़ी ही टेस्ट के साथ और फ्लेवर के साथ खाते हैं। फ्रेंड्स, देखिए अब ये रेडी टू सर्व है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। कितने सुंदर कलर आए हैं, और दोस्तों देखने में ये जो स्नैक्स जितना खूबसूरत लग रहा है, उतना ही ये हेल्दी भी है और साथ ही साथ ये टेस्टी भी है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर बनाना, और बनाने के बाद कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही पसंद आने पर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इस रेसिपी को ज़रूर करें शेयर। तो नेक्स्ट टाइम इसी तरीके से सिंपल सी रेसिपी और इजीली प्रिपेयर होने वाली रेसिपी के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए